दोस्तों कुछ दिनों पहले ही ट्राई की तरफ से काफी बड़ी फटकार लगाई गई थी सभी टेलीकॉम कंपनीज को, और ये कहा गया था कि जो भी आपके प्लान्स हैं 28 दिनों वाले, या फिर जो भी आपके 56 डे वाले प्लान्स हैं, या फिर 84 डे वाले प्लान है, उन्हें आप महीने के रेशियो में करिए। यानी जो 28 दिन का प्लान है वो 30 दिन का करिए, जो 56 डे का प्लान है उसे आप 60 दिनों का करिए, और जो 84 डेज का प्लान है उसे आप 90 डे का करिए। यानी सभी को एक महीने के रेशियो में करिए। जैसा कि आप सभी ने मिलकर ये कहा था, ट्राई सी के साथ टैग करते हुए ट्विटर पर ट्रेंड करवाया था कि जो भी प्लान्स है वो 28 दिनों के क्यों होते हैं जबकि महीने में 30 या फिर 31 दिन होते हैं। तो इस जंग में आप सभी ने जीत हासिल कर ली। बट क्या आपको पता है कि ऐसे में एयरटेल का रिएक्शन क्या आया था? एयरटेल का रिएक्शन ये आया था, इससे कस्टमर्स के जेब पर भी भारी पड़ने वाला है अगर ये चीज़ें हम करते हैं, इस चीज़ पर अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सो आज के इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या इससे हमें यहाँ पर नुकसान भी होने वाला है, जो कि यहाँ पर फैसला ट्राई ने लिया है। अगर प्लान्स की वैलिडिटी 2 दिन बढ़ने वाली है तो ऐसे में क्या टेलीकॉम कंपनीज भी यहाँ पर कुछ ना कुछ चाल खेल सकती हैं, उसी के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो गाइज, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार अगर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करके नबल शुरू कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो गाइस, जब ट्राई ने ये डिसीजन लिया तो यहाँ पर सभी कस्टमर खुश तो हुए, बट क्या आपको पता है कि जो टेलीकॉम कंपनीज है उनके पास जब ये आदेश गया ट्राई की तरफ से तो उनका क्या रिएक्शन था? जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया भी था, बाकी सभी टेलीकॉम कंपनीज कुछ अलग अलग रिएक्शन दे रही थी, बट एयरटेल ने कहा था कि अगर ऐसा हम कुछ करते हैं तो इससे कस्टमर का जेब जो है वो भारी पड़ने वाला है। एयरटेल का सीधा सीधा यही कहना था कि अगर हम किसी भी प्लान को 28 दिन से 30 दिन में एक्सपेंड करते हैं, या फिर किसी भी ऐसे प्लान को 56 डे से 60 दिनों में एक्सपेंड करते हैं, या फिर किसी भी प्लान को 84 डेज के 90 डेज में एक्सपेंड करते हैं, सो ऐसे में जब हम अपने प्लान्स की वैलिडिटी को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली हम अपने प्लान्स की जो प्राइस है उसे भी हाइक कर सकते हैं। सपोज कोई प्लान आपको देखने को मिल जा रहा है 249 रुपीज का, जहां पर आपको 28 डेज की वैलिडिटी देखने को मिलेगी, यानी 28 जो पुराना प्लान था, अगर वो 30 डेज का होता है सो आई थिंक वही प्लान आपको लगभग 249 का जो है वो लगभग 299 का भी देखने को मिल जाए एयरटेल के कहने की तरफ से, अगर एयरटेल ऐसा कुछ करता है। सो ऐसे में जो भी दूसरी टेलीकॉम कंपनी से जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, वो भी सेम इसी तरीके का यहाँ पर स्ट्रेटजी अपनाएगी उन दिनों के रिकवर करने के बाद जो कि यहाँ पर 2 दिन उन्होंने एक्सपेंड किए हैं। सो ऐसे में कहीं ना कहीं ये डिसीजन हमारे लिए यहाँ पर उल्टा भी पड़ सकता है कि जो भी प्लान्स हैं वो 28 से 30 हुए हैं। अब इस पर ट्राई को भी यहाँ पर फैसला लेना होगा। ट्राई को शायद ये आदेश भी देना चाहिए था, आप प्लान की प्राइस भी हाइक नहीं करेंगे इस डिसीजन के बाद। सो ऐसे में आप आगे देखते रहिए कि क्या होने वाला है, कि क्या सच में एयरटेल ने जो यहाँ पर कहा है रिएक्शन में वो इम्प्लीमेंट क्या वो करता है। अगर करता है तो हमें यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है, बल्कि यहाँ पर हमें अब नुकसान ही होने वाला है। सो गाइज, आपका क्या कहना है, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में कि क्या ऐसा करेंगी टेलीकॉम कंपनीज या फिर नहीं करेंगी, या फिर ट्राई इसके बारे में भी कुछ सोचने वाला है हम सभी कस्टमर के लिए। सो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करके इनेबल कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।